यादव एक ऐसे बॉलर जो अक्सर आलोचना का शिकार होते रहते हैं, जिनकी इमेज ही ऐसी बन गई है कि वो चाहे जितना अच्छा करे लोगों के मन में उनके लिए वो सम्मान आता ही नहीं। लेकिन इन सबसे बेखबर उमेश ने आईपीएल 2022 की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। हालांकि शुरुआत से पहले उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उमेश ने आईपीएल 2022 की अपनी पहली ही गेंद नो बॉल फेंकी और इसके साथ ही वो आईपीएल के किसी भी सीजन की शुरुआत नो बॉल से करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। लेकिन इस अनचाहे स्टार्ट के ठीक बाद उमेश यादव ने वो कर दिखाया जो सीएसके फैंस को अगले कुछ दिनों तक परेशान करेगा। शनिवार को आईपीएल सीजन 15 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़े। मैच की शुरुआत में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने ओस को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली। सीएसके की बैटिंग को देख उम्मीद थी कि ये टीम एक फाइटिंग टोटल जरूर खड़ा करेगी, लेकिन उमेश यादव ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने एक ऐसा स्पेल फेंका जिसके बाद सीएसके की पूरी टीम पटरी से उतर गई। बॉलिंग लेते ही श्रेयस ने उमेश की ओर गेंद उछाल दी। उमेश ने पहली दो गेंद में एक नो बॉल फेंकी और एक वाइड फेंकी, लेकिन इसके ठीक बाद तीसरी गेंद ने थोड़ी हरकत की, बाउंस मिला और केकेआर को मिल गया अपना पहला विकेट। उमेश ने आईपीएल के मौजूदा ऑरेंज कैप होल्डर ऋतुराज गायकवाड़ को कैच आउट कर दिया। इस विकेट के बाद भी ओवर में दबाव बदस्तूर जारी रहा। उन्होंने बल्ले से किसी भी बल्लेबाज को रन नहीं लेने दिए। 3 एक्स्ट्रा के चलते इस ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 3 रन पर 1 विकेट रहा। इसके बाद शिवम मावी ने दूसरे ओवर में स्थिति को कंट्रोल में रखा। उमेश ने तीसरे ओवर में फिर से बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने उत्थप्पा से एक छक्का जरूर खाया, लेकिन इससे इतर ना तो कॉनवे को और ना ही उत्थप्पा को हाथ खोलने का ज्यादा मौका दिया। श्रेयस अय्यर ने उमेश की गेंदबाजी देख पावर प्ले में ही उनसे तीसरा ओवर भी फिकवाने का प्लान बना लिया। पारी के 5वें ओवर की पहली गेंद पर ही उमेश ने वो बड़ा विकेट भी झटक लिया जिसे पाव डु प्लेसी का विकल्प माना जा रहा था। उमेश यादव ने एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी फेंकी जिस पर कॉनवे अधूरे मन वाला शॉट खेल कैच देकर आउट हो गए। इसके बाद इस ओवर से उमेश ने सिर्फ 1 रन दिया और सीएसके के बल्लेबाजों का पावर प्ले में बड़ा स्कोर खड़ा करने का प्लान ध्वस्त कर दिया। उनके इस स्पेल की वजह से ही चेन्नई की टीम धोनी के 85 के बावजूद एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गई। उमेश यादव को स्टार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने इस बेमिसाल परफॉर्मेंस के बाद कहा, 2 साल बाद इस अवार्ड के मिलने से बेहद खुश हूँ। मैं लंबे समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर हूँ, लेकिन कप्तान और कोच ने मुझ में भरोसा दिखाया और कहा कि मैं प्लेइंग 11 में रहूंगा। इससे बेहद खुश हूँ। मैं इस वक्त अपने रिदम पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो T20 क्रिकेट में स्विंग पाने के लिए सही जगह पर लैंड कराना बहुत जरूरी है। उमेश ने पहले ओवर में मिले विकेट पर कहा, बतौर फास्ट बॉलर और आउट स्विंग बॉलर आपको हमेशा अच्छा लगता है जब आप पहले ओवर में विकेट लेते हैं और उस विकेट से सामने वाली टीम पर दबाव बनता है। उमेश यादव के इस कमाल के स्पेल के बाद अजिंक्य रहाणे के 44, सैम बिलिंग के 25 और कप्तान श्रेयस अय्यर के 20 रन की मदद से केकेआर ने इस मैच को 6 विकेट बाकी रहते जीत लिया। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, मैं हूँ गरिमा। लेकिन जाने से पहले एक आपके काम की बात कर लेते हैं। गेमजी इस ऐप का लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस क्रिकेट सीजन वहां पर अपनी टीम बनाइए, क्योंकि यहां पर आप लाइव क्रिकेट में 8 बार अपनी टीम बना सकते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा रुपए जीतने का आपके पास मौका है और साथ में जब पहली बार आप डिपॉजिट करेंगे तो 100% का कैश बैक भी है। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।